हेलो हाँ निशा जी बात करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के भैया से। तू चीफ मिनिस्टर है? अरे भैया प्रणाम, हम लोग चीफ मिनिस्टर है। उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ को टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त करो। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखे? अरे नहीं सर, हम लोग कोई नहीं। एक वायरल होता ऑडियो, गालियों की बरसात और फिर उसके बाद मचा बवाल। मुंह से हो रही ये फूलों की बारिश और गिरफ्तार कराने की धमकी एक टोल प्लाजा मैनेजर को दी जा रही है। और इस ऑडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता ये शख्स कोई सड़क छाप या गंवार आदमी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी के जिला अध्यक्ष राहुल गौतम की है। जो टोल प्लाजा मैनेजर को गंदी गंदी गालियाँ किस बात पर दे रहे हैं, ये आप उनके मुँह से ही सुन लीजिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी बात करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के भैया से। तू चीफ मिनिस्टर है? अरे भैया प्रणाम, हम लोग चीफ मिनिस्टर है। उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ को टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त करो। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखे? अरे नहीं सर, हम लोग कोई नहीं। तू मेरी मम्मी से बात करेगा और तू ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहकर कहेगा कि हुटर नहीं बजाना है, तो तू खुदा है। अरे सर हाथ जोड़ के गिरफ्तार करो इसको, इसको टेलीफोन लगाओ, भेजो इसको, इसको इसको गिरफ्तार करके मेरे उराट ले आओ, इसको इसको मैं सजा दूंगा। अरे भैया हम लोगों तू को तू तो नियम कानून मुझे बताएगा? अरे नहीं सर, हम लोग विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी को रोकेगा? अरे नहीं सर, मैं नहीं था। तू था? नहीं था। तेरे बैरियल के लड़के? नहीं था सर। अरे जो कहना हो कहिए भैया, मैं नहीं था। तक मेन मैनेजर तो तू है ना? अरे है, लेकिन आज मैं नहीं था भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, गिरफ्तार अगर कोई भी गिरफ्तार करो, मैं माफ। पुलिस को भेजो, अभी भेजो उनको, सारे सारे स्टाफ को गिरफ्तार करो। मैं माफी मांग रहा हूँ, तेरी माफी गई। तो सुना आपने कि बीजेपी नेता गाड़ी का सायरन न बजाने को लेकर जब टोल प्लाजा कर्मचारियों ने मना किया, तो किस तरह किसी सड़क के गुंडे की तरह उन्हें धमकाया जा रहा है। और टोल प्लाजा मैनेजर इन बड़े लोगों के रसूख के सामने बिना गलती के माफी मांगने को मजबूर है। लेकिन ये विवाद अभी यहीं तक खत्म नहीं होता। इस बातचीत के बाद कुछ लोग चुरहटा टोल प्लाजा देर रात पहुंचते हैं और उनके सामने जो कुछ आता है उसे तहस नहस कर देते हैं, जिसकी पूरी फुटेज टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। टोल प्लाजा मैनेजर के मुताबिक उनका करीबन 3 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। हालांकि टोल मैनेजर ने रात में टोल प्लाजा में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को राहुल गौतम के धमकी देने से अलग बताया है, मगर फिर भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाला लोग है कौन। न्यूज डेस्क समाचार प्लस।